क्योंकि जब भी मैं अपना नाम बोलती हूँ तो लोगों को लगता है अच्छा वो वाली सिमरन, हाँ ठीक है राज का है तुम्हारा, अरे यार नहीं है राज, मैं इसी कॉलेज से हूँ बाय द वे। सो जो मेरी जो मेरा टॉपिक है वो है मेरी एक अजीब सी आदत, अजीब नहीं है सभी लोग करते हैं, खुद से बात सभी लोग करते हैं ना। तो देखो सीन क्या है, अगर आप किसी से पूछते हो कि उन्हें क्या करना पसंद है तो आपको जवाब कैसे मिलता है, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, स्केचिंग, और अगर ज़्यादा अच्छा चाहिए तो ट्रैवलिंग, हाँ वो बात अलग है उसके लिए पैसे चाहिए जो कि होते नहीं है। लेकिन अगर वही सेम जवाब वही अगर कोई मुझसे पूछता है तो सोने और पूछने के अलावा मुझे एक और चीज़ पसंद है और वो है खुद से वार्तालाप, सेल्फ टॉकिंग। अब जब मैं ये लोगों को बताती हूँ ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है यार इट्स अ गुड थिंग, लाइक यू डोंट नीड अदर पर्सन टू टॉक, यू आर एंजॉयिंग योर ओन कंपनी। भाई ये बात मेरे घर वालों को बता दो क्योंकि मेरे घर में सीन हो रहा है, और सीन क्या हो रहा है कि मेरी ये आदत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनको शक होने लगा है मेरे पे कि ये पता नहीं कौन से भूत प्रेतों से बात करती है, और इस वजह से मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है घर पे। मैं अपने खुद से बात कर रही थी और मेरा भाई मेरे पास था तो मेरी हरकतें ऐसी हो गई है मुझे देख के वो डरने लगा है आजकल, और वो डरने लगा इतना कि वो रात को सुसु करने नहीं जाता अकेले, हमारा वॉशरूम बाहर है तो वो रात को अकेले नहीं जाता। फिर मैं सोचती हूँ यार छोटा भाई है चलो यार चलते, मैं तेरे को बाहर तक छोड़ के आ जाती हूँ, कह रहा अरे मुझे आके से तो डर लग रहा है। तो ये सीन है कि ऐसी हरकतें हो गई हैं, लेकिन मेरे को कभी कभार लगता है कि यार चलो ठीक है वो लोग भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेट्रो की बात है तो मैं मेट्रो में जा रही थी। ऐसा होता है कि दुनिया में लाइक आपकी लाइफ में सारी गलती माफ़ी के काबिल है, लेकिन एक गलती जो माफ़ी के काबिल नहीं है वो है अगर आप अपने ईयरफोन्स घर पर भूल जाओ। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय लोगों के और उनके शूज देने, यही ऑप्शन बचा है मेरे पास। तो अब इस दौरान मैं अपने आप से बात करने स्टार्ट करती हूँ। और वैसे हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ नमूने जिनको हम नमूने बोलते हैं, मेरी लाइफ में भी है मेरी एक दोस्त। तो एक बार का इंसिडेंट है, हम लोग कॉलेज के एडमिन ऑफिस में गए, कुछ काम था, 15 मिनट का काम था तो थोड़ा आधा घंटा लग गया, वही ना फिर उसने एक चेयर रखी थी तो मेरी दोस्त वहां पे जाके बैठ जाती है, उसी के एग्जैक्ट 1 मिनट बाद पीछे से कुछ टूटने की आवाज आती है। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा कुर्सी तो टूटी पड़ी है, और दूसरी तरफ देखा तो मेरी दोस्त यहाँ से बाहर निकल जा रही है। तो इस इंसिडेंट को मैं याद करके मेट्रो में हंस रही थी। अब अगर देखा जाए तो मेरे को मन मन में हंसना चाहिए ना, लेकिन जो हंसी निकली वो बहुत तेज, और जो रिएक्शन मेरे को लोगों से मिला वो ऐसा था कि मैंने मानो उनकी किडनी मांग ली हो, इस तरीके से स्ट्रेंज लुक मेरे को दिया था। और सच्ची बताऊँ ना उस टाइम पे मेरे को मास्क की इतनी ज़्यादा जरूरत महसूस हुई कि मेरे को कोरोना के टाइम पे नहीं मिली। थैंक यू, दैट इज ऑल द डे। यार हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करने की चुल जरूर होती है, मेरे को भी थी कि मेरे को एक ना एक बार तो स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी ही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस के ऑडियंस के सामने खड़े होकर उनको हंसाना कैसा लगता है, तो वो एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए था। सो आई थॉट भाई मेरे दिल ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर, तो क्यों ना ट्राई की जाए।